और साथ में कोबरा एन बी 40 रिटर्न में आने वाले और आप लोग को यहाँ पे ओबी 43 अपडेट में ये चार इलेक्ट्रोल देखने को मिलेंगे, मतलब चार इलेक्ट्रोल बहुत सारे हैं। तो ये कौन कौन से इलेक्ट्रोल आने वाले, कौन कौन से रिवॉर्ड्स वगैरह आने वाले इलेक्ट्रोल के अंदर में आप लोग को आज के इस वीडियो में दिखाने वाले। और आज के इस वीडियो में इतना ही नहीं है, आप लोग को अभी के टाइम में रैंक रिवॉर्ड्स में से कुछ ज़्यादा खास रिवॉर्ड तो नहीं मिल रहा है, बट आप लोग को आने वाले न्यू रैंक सीजन में आप लोग को बहुत ही मस्त मस्त ओपी ओपी रिवॉर्ड्स मिलने वाले। सो मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो इसमें एक टाइम वेस्ट की गई टाइम वीडियो को स्टार्ट। तो वही सबसे पहले देखो, जो नो इफो वर्ल्ड रिंग इवेंट आने वाला है ना, वो आप लोग को देखने को मिलने वाला है 2 फरवरी को। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, आप लोगों को कोबरा MB40 इससे इफो वर्ल्ड रिंग इवेंट में नजर आ सकती है। अभी अगले कंफर्म मैंने नहीं आया है, बट पॉसिबल है कि आप लोग का जो कोबरा MB40 है ये आप लोग को 2 फरवरी को ही नजर आ जाएगी। ये न्यू वाली जो इफो वर्ल्ड इवेंट आएगी और उसके अंदर आप लोग का जो स्कार की इफो गन है ये भी आप लोग को देखने को मिलने वाले। मतलब आप लोग का जो कोबरा MB40 है और स्कार है, ये दोनों में से एक गन आप लोग को सर देखने को मिल जाएगी। और आप लोग को जो N94 है, सो अभी के टाइम में भी आप लोग को देखने को मिल चुकी है, तो ये भी आप लोग को फिर से देखने को मिलेगी न्यू ईवो वर्ल्ड इवेंट में भी। और साथ में जो स्कॉर्पियो इनकी स्किन है ना, ये भी आप लोग को फिर से देखने को मिलेगी न्यू ईवो वर्ल्ड रिंग इवेंट में, क्योंकि एक गन आती है ईवो वो आप लोग को 2 बार रिंग इवेंट में नजर आती है। सो इस न्यू ईवो वर्ल्ड रिंग इवेंट में ये सारी इनकी स्किन पॉसिबल है, तो अगर आप लोग को निकालनी है तो आप लोग अभी तैयार हो जाओ, क्योंकि जल्दी मैं आप लोगों को कंफर्म इवेंट के साथ में दिखा दूंगी कौन कौन सी है इनकी स्किन आप लोग को 100% कंफर्म ही 2 फरवरी को रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले। और सो गाइस, आप लोगों की फीमेल ड्राको ये रिटर्न में कब देखने को मिलेगी और बहुत कोई इसका आने का वेट कर रहे हैं रिटर्न में, तो ये आप लोग कब देखने को मिलेगी। तो वैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया, जो न्यू इफो वर्ल्ड रिंग इवेंट आने वाला है वो 2 फरवरी को आने वाला है और उसके अंदर स्कॉर्पियो की M10 2.0 आने वाले। तो इससे ये कंफर्म है कि आप लोग को जो ये ग्रीन वाली है M10 की स्किन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी फरवरी मंथ तक, बट आप लोग को OB44 अपडेट में ये वाली जो है ग्रीन फीमेल ड्राको जो M10 की स्किन है इफो वाली, ये आप लोग को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पॉसिबल है कि आप लोग को OB44 अपडेट में ही देखने को मिले। तो इसको गाइस अगर आप लोग को निकालना है तो और 2 महीने आप लोग को वेट करना पड़ेगा। और फिर गाइस को आप लोग का जो गोल्डन सीट का रिंग इवेंट है ये आप लोग को नजर आने वाला है आप लोग को फरवरी या फिर मार्च मंथ में ही नजर आ जाएगा। और इसके अंदर इस बार आप लोग को 6 नहीं बल्कि 7 बंडल देखने को मिलेगा। एक बंडल न्यू आने वाला है OB43 अपडेट में, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। ये बंडल के साथ में आप लोग को जो 6 इंक्यूबेटर के गोल्डन सेट वाले बंडल है ये भी आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो इससे आप लोग को 7 बंडल जो है रिंग इवेंट के अंदर नजर आने वाले। और ये वाले रिंग इवेंट आप लोग को फरवरी और मार्च के बीच में आप लोग को नजर आने वाले हैं। जैसे कंफर्म विनर आएगा तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी कौन से दिन आने वाले हैं। और फिर देखो आप लोग को इस अपडेट में जो कोबरा बंडल है ये फिर आप लोग को रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, जिसको आप लोग को एक्सचेंज करने को यहाँ पे रिंग इवेंट से आप लोग को 400 टोकन चाहिए, 400 टोकन से एक्सचेंज कर पाओगे। और इसके अंदर आप लोगों को कोबरा की जो गुलवाल की स्किन है, पैन की स्किन है, टाना की स्किन है, ये भी आप लोग को नजर आने वाले। तो ये जो कोबरा बंडल है और जो स्कॉर्पियो का इफो बंडल है, ये दोनों ही बंडल आप लोग को OB43 अपडेट स्पेशल आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि OB43 अपडेट में कोई भी न्यू इफो बंडल नहीं आने वाला। तो आप लोग को ये दोनों ही बंडल रिटर्न में देखने को मिल जाएगा। अभी तो आप लोग बस कंफर्म डेट का वेट करो, जैसे ही कंफर्म डेट का जो बैनर है वो आ जाएगा तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी, बाकी कंफर्म में दोनों की आप लोग को इसी अपडेट में देखने को मिल जाएगा। और चलो गाइस, मैं आप लोग को दिखाती हूँ न्यू इलेक्ट्रोल जो आप लोग को ये चारों वाउचर से देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग को वैलेंटाइन डे स्पेशल इलेक्ट्रोल देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आप लोग को यहाँ पे रोज रिमोट और जो प्रिंसेस प्रिंस का जो बंडल है ओल्ड वाला, ये भी आप लोग को वैलेंटाइन डे स्पेशल रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। और साथ में हार्ट ब्रोकन जो इमोट ये फिर से रिटर्न में आ सकता है। और वैलेंटाइन डे स्पेशल का जो इलेक्ट्रोल का वाउचर होगा वो आप लोग को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आप लोग को और भी बंडल सीखने को मिल जाएंगे जो कि लॉफर वाले हैं। तो ये सारे आप लोग को ओल्ड वाले जितने भी, मतलब जितने भी पहले आप लोग को वैलेंटाइन डे स्पेशल देखने को मिला है बंडल, वो आप लोग को यहाँ पे जो अच्छे अच्छे वो आप लोग को इस इलेक्ट्रोल के अंदर नजर आने वाला है।
और यहाँ पे सो फ्री में मिला था, ये भी आप लोग को फिर से फ्री में मिल सकता है। और फिर गाइस एक होली स्पेशल आप लोग को होली का लकड़ा देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर गोल्ड से भी स्पिन हो सकता है और ज़्यादा तो चांस है कि डायमंड से ही आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी इस लकड़ा के अंदर आप लोग को सो होली के थीम पे सो बनने से ओल्ड वाले आप लोग को देखने को नज़र आ जाएंगे। और इस लकड़ा का जो वाउचर होगा वो आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और इसका हो सकता है रिंग इवेंट भी आ जाए, क्योंकि इसमें लकड़ा लिखा हुआ नहीं है वाउचर में, तो हो सकता है रिंग इवेंट आप लोग को स्पेशली देखने को मिल जाए होली के इवेंट जब स्टार्ट होगा तो। और आप लोग का जो रिमोट फिगरा है ग्लोअल की स्किन ये भी देखने को मिल सकती है। और देखो गाइस आप लोग को होली स्पेशल एक न्यू बंडल देखने को मिलने वाला लेजेंडरी, सो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो बहुत ही मस्त लग रहा है। और ये बंडल आप लोग को 99% कंफर्म है कि आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा, और पॉसिबल भी है कि आप लोग को फ्री में ही मिलेगा ये वाला बंडल। बाकी अरिना वालों को कुछ भी बोला, इस बार का होली का बंडल बहुत ही अच्छा बना है और एनिवर्सरी में बहुत ही अच्छा है, फ्री में दे दे तो मजा ही आ जाए। और फिर आप लोग को होली के थीम में और एक यहाँ पे स्नाइपर की गन की स्किन देखने को मिलने वाले, सो ये भी आप लोग को फ्री में ही मिल सकती है एनिवर्सरी करके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और फिर यहाँ पे पेन की स्किन आप लोग को मिलने वाली है, सो ये भी होली के थीम में। और होली के जितने भी रिवॉर्ड्स में गिरा है इस साल का, ये आप लोग को ब्लू और व्हाइट कलर में ही देखने को मिल रहा है। और साथ में आप लोग को इस बार पिचकारी वाला जो पैट है ये भी आप लोग को देखने को मिलने वाला है, जो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है और चलता तो और भी मजा आता। और फिर आप लोग को रामदान स्पेशल ऐसे लकड़ा नजर आने वाला है, जिसमें आप लोग को रामदान के जो स्पेशल बंडल है पहले वाले, ये आप लोग को रिटर्न में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि रामदान स्पेशल मेशिस ऑफ फिग्राफी आया था पहले, वो फिर देखने को मिल जाएगा। और रामदान स्पेशल आप लोग यहाँ पे वाउचर देख सकते हो लकड़ोल को, और यहाँ पे आप लोग को वही सारा आप लोग को रामदान स्पेशल इमोट वगैरह गन के सीन, और जो बंडल है वो आप लोग को रियर जो पहले के ओल्ड वाले, ये भी आप लोग को रामदान स्पेशल इस रामदान लकड़ोल में देखने को मिल जाएगा। और ये आप लोग को रामदान इवेंट के टाइम में ये देखने को मिलेगा, और रामदान थीम में आप लोग को एक न्यू पेन की स्किन नज़र आने वाले, सो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिलेगी। और अच्छी खासी पेन की स्किन लग रही है, बहुत यहाँ पे फूल वगैरह बना हुआ है। बाकी पेन की स्किन आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताओ। और फिर आप लोग को रामदान स्पेशल और एक यहाँ पे कटाने की स्किन देखने को मिलने वाले, सो कि यहाँ पे देख ही सकते हो बहुत ही मस्त लग रही है कटाने की स्किन, सच में बहुत ही यहाँ पे इफेक्ट वगैरह लगाया है। और मुझे तो इस रामदान स्पेशली जो कटाने की स्किन है तो मुझको बहुत ही अच्छी लगी, सच में बहुत ही मस्त लगती है। और फिर यहाँ पे आप लोग को रामदान स्पेशल यहाँ पे आप लोग को लूटो बॉक्स देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, ये पूरा ही यहाँ पे ये गोल गोल घूम नहीं रहा है, मैं घुमा रही हूँ उसको। और देखिए ये सारा लकड़ी वाला आप लोग को आने वाले होली के इवेंट में देखने को, आने वाले होली के इवेंट में नहीं, आने वाले अपडेट में आप लोग को ये सारे लकड़ी वाले स्पेशल देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में आने वाले अपडेट में ये सारे जो इवेंट है ये चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे भूतिया वाला इवेंट चलेगा, फिर थाला का इवेंट आएगा, फिर गिल्ड स्पेशल एक इवेंट आने वाला है, और फिर आप लोग को यहाँ पे होली स्पेशल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इवेंट। और साथ में यहाँ पे ऐसे फ्री फायर इंडिया आएगा, तो आप लोग को यहाँ पे पैसे अपडेट रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले, मतलब आप लोग को पैसे अपडेट रिवॉर्ड्स देखने को मिलेगा। फिर आप लोग को यहाँ पे जो रामदान स्पेशल है ये भी देखने को मिल सके आइकन, और ये आप लोग को समर स्पेशल इवेंट देखने को मिलने वाला है। तो ये 7 मई का इवेंट आने वाला है, इस अपडेट में आप लोग को ये सारे इवेंट्स वगैरह देखने को मिलने वाले, ऐसे इतने सारे इवेंट सेलिब्रेट करने को तैयार हो जाओ, बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलने वाले हैं। और देखो इस जो नेक्स्ट वाली वेपन में गन की स्किन आने वाली है ना, वो आप लोग को इस अपडेट में स्पेशल आप लोग घोष्ट की थीम में, सो ये वाली विंसो की गन की स्किन ही आप लोग को नजर आ सकती है, फिर ये 90% कंफर्म है। जैसे ही मुझे 100% कंफर्म बैनर मिल जाएगा तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी कौन से गन की स्किन आने वाले हैं। बाकी ये 90% पॉसिबल है कि यही वाले देखने को मिल जाएगी, और चेंज होती है तो फिर मैं आप लोग को बता दूंगी। अभी 24 जनवरी को आने वाला है, तो उससे एक वीक पहले ही कंफर्म होता है 100% कौन सा आने वाला है बैनर के साथ, तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी एक वीक पहले ही कौन से गन की स्किन आने वाले, सो थोड़ा सा आप लोग वेट करो। और न्यू रैंक सीजन आने वाला है, मतलब जो सीएस का रैंकेड सीजन है वो आने वाला है 24 जनवरी को, आप लोग को न्यू देखने को मिलेगा। तो 24 जनवरी को आप लोग को सीएस रैंकेड स्पेशल आप लोग को यहाँ पे देख ही सकते हो, आप लोग को ये सारे मस्त मस्त रिवॉर्ड्स मिलने वाले। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे क्रोचे की स्किन मिलने वाले, जिसमें एटीपीएस आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो बहुत ही मस्त है, और क्रोचे की स्किन को हाथ में पकड़ सकते हो। और पेट की स्किन में आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाले रैंकेड रिवॉर्ड्स है, और आप लोग को टी शर्ट भी मिलने वाला है ये वाले, और फिर स्काई फोर्ट भी मिलने वाले। तो इस बार आप लोग को सीएस रैंकेड मतलब न्यू सीजन में आप लोग को ये सारे रिवॉर्ड्स वगैरह मिलने वाले हैं। बाकी आप लोग को ये सारे रिवॉर्ड्स कैसे लगे ये आप लोग कमेंट में बताना, और चलेंगे शटअप वाई फाई।